मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में धार्मिक आस्थाओं पर विवादित टिप्पणी करने का मामला सामने आया है, जिससे नाराज ब्राह्मण समाज ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार का कहना है कि ब्राह्मण मंच द्वारा ज्ञापन के माध्यम से कुछ लोगों द्वारा अपशब्द व धर्म को लेकर टिप्पणी करने की शिकायत की गई है, जिसकी जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। राजेंद्र सिंह और उदय साहू और दिलीप कुशवाहा नामक व्यक्ति लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ, हमारे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ, कि हिंदू देवी देवता फर्जी हैं, माता दुर्गा फर्जी हैं, बजरंगबली फर्जी हैं, राम फर्जी हैं, और गीता और जो पुराण हैं वो सब काल्पनिक है, ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए हैं, ब्राह्मण बलात्कारी है, ब्राह्मण दुष्ट है, ऐसे अनावश्यक रूप से ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी और हिंदू समाज के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है, जिसका विरोध हमारे ब्राह्मण अधिवक्ता आशीष पांडे जी ने किया। उनको भी उक्त लोगों ने उल्टी सीधी गाली, उनके माँ को अपशब्द कह के उन्होंने ग्रुप से रिमूव कर दिया। उसके खिलाफ समस्त हिंदू समाज और ब्राह्मण समाज और हिंदू धर्मावलंबी पे एक आक्रोश व्याप्त है, जिसके लिए आज हमने माननीय एसपी साहब जबलपुर के माध्यम से एडिशनल एसपी सिटी अमित कुमार जी को हमने एक ज्ञापन दिया है, और हमने मांग करी है कि उक्त व्यक्तियों के खिलाफ, चाहे वो अधिवक्ता के पेशे में हो चाहे किसी पेशे में हो, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, अन्यथा ब्राह्मण समाज हिंदू धर्मावलंबी सभी सड़कों पर उतरेंगे और हम लोग अपने तरफ से सजा देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। जी हाँ, हमारी परंपरा ब्राह्मण मंच द्वारा आपको एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है, क्या मामला है? दरअसल ब्राह्मण मंच के द्वारा प्रोग्रेसिव ग्रुप्स ऑफ एमपी में कुछ पोस्ट्स डाले गए थे। ब्राह्मण मंच के द्वारा ये कहा गया है कि इन पोस्ट्स के द्वारा उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और इसके विरुद्ध ये कार्रवाई चाहते हैं। इस ज्ञापन को, इस एप्लीकेशन को इनफैक्ट ओमती पुलिस ने पहले ही कंसिडर किया है और उचित वैधानिक कार्रवाई इसके ऊपर की गई है।